देख नीमा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तू चली जा यहाँ से, विराट के आने से पहले पहले चली जा यहाँ से, प्लीज रब ना पास्ता ही, चली जा यहाँ से। मैं भी ये लीजिए पानी पीजिए। मैम, आप मुझे प्लीज शर्मिंदा मत कीजिए, आपको मुझे इस तरह रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं यहाँ कृष के वजह से आई थी, और ये कभी नहीं भूली कि एक ना एक दिन मुझे यहाँ से जाना ही होगा। आप सबने मेरा बहुत ख्याल रखा है, खासकर विराट जी ने, इसलिए एक बार विराट जी से मिल के जाती तो। निम्मो, तू ये क्या बोल रही है, तू तो विराट को अच्छे से जानती है, पर बात बात पे तो जज्बाती हो जाता है, पलक झपकते लोगों पे तरस खाने लगता है। ओए, तू एक बार मम्मी जी की तरफ से तो सोच, उसने तो किसी की सुननी नहीं यार। कौन लगती है वो तेरी? नीमा मेरी बीवी है और अब कृष की माँ। नीमा से शादी करने का फैसला मेरा था, इसलिए इस रिश्ते के साथ जो इज्जत आती है उसकी वो हकदार है, क्योंकि जितनी हैसियत विराट सेठी की है उतनी ही हैसियत विराट सेठी की बीवी की भी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिसेस सेठी। ठीक है मैम, अब घर की बड़ी है, आप जो चाहेंगी वही होगा। अच्छा एक बात बताओ। हाँ जी। मैं तुम्हें समझा रहा था तो तुम्हारी समझ में नहीं आया, नीमा ने ऐसी कौन सी बात कर दी जो तुम्हारा मूड फट से ठीक हो गया? पता नहीं भैया, वो ना, वो कुछ भी कह के मेरा मूड ठीक कर सकती है, जादू है उसमें, उसको पता होता है क्या कहना होता है। सच कहूँ ना भैया, तो मुझे नीमा से बहुत 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 हिम्मत मिलती है, मुझे क्या क्रिश को भी उससे बहुत हिम्मत मिलती है। आज अगर क्रिश इतना बड़ा कदम उठा पाया लाइफ में तो उसी की वजह से। ये तो बड़ी बड़ी बातें होगी ना, छोटी बातें देख लो, जब मेरा मन टेंस्ड होता है तो मेरे लिए तुलसी की चाय बना लेती है, मैं कभी अकेला फील कर रहा होता हूँ तो दोस्त की तरह मेरे साथ बैठ के मुझसे बातें करती है, क्रिशो मेरे साथ बच्चों की तरह खेलती है, और मम्मी जी के साथ हैं कितनी कड़वी बातें सहती है मम्मी की, और माँ, क्या माँ है वो। भैया आपको देखना चाहिए अपनी बेटियों के लिए ना, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। और स्माइल तो मैं आपको क्या बताऊं यार, कि माइंड ब्लोइंग स्माइल है। नीमा कि मेरे लाइफ में आने से पहले मैं कर क्या रहा था, मैं तो समझ नहीं रहा कि मतलब। भाई एक बात बताओ मुझे, तेरे मुंह में तो हमेशा क्रिश का नाम रहता था, और अब क्रिश के साथ साथ तुम नीमा नीमा भी करने लगे, चल क्या रहा है ये? देख, मैं उम्र और एक्सपीरियंस दोनों में तुझसे बड़ा, इसलिए एक बात कहना चाहता हूं, दिल की बात कभी भी दिल में नहीं रखनी चाहिए, और मैंने आज तक कभी भी तुम्हें किसी के बारे में ऐसा फील करते नहीं देखा जैसा तुम नीमा के बारे में करते। सही कहा आपने भैया, अभी देखना मैं जाते ही ना नीमा को अपने दिल की फीलिंग बताने वाला हूं। ये हुई ना बात, भाई है तू मेरा।
तुम बेस्ट हो नीमा। मम्मी जी आराम से बैठ जाओ। हैं? कैसा लग रहा है अब आपको? ठीक ही लग रहा है। चलती हूँ। आप सबने मुझे एक फैमिली की तरह रखा है, उसके लिए थैंक यू। कभी अगर अनजाने में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। मैं हमेशा इस घर का भला चाहती हूँ और आगे भी चाहूंगी। जीतिए। नीमा, इस घर में तुमने मुझे बहुत सहारा दिया। सच कहूँ तो इस घर में तुम मेरा इकलौता सहारा थी। तुम्हारे बिना ये घर बहुत सूना सूना सा लगेगा। मैंने आज तक जो कुछ तुम्हारे साथ किया, प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दो। रियल, आप पहले ही माफी मांग चुकी है, दोबारा माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं विराट का दिल फिर से जीत लूंगी। हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू सो मच। आप सबके साथ मेरी शुभकामनाएं हमेशा रहेगी। नमस्ते। निमा, एक मिनट रुक। वो देख, हमारे घर का ना एक रूल्स है कि जब भी कोई नौकर, मेरा मतलब है काम करने वाला जब जाता है ना, तो उसकी ना बैग्स की हम चेकिंग्स करते हैं। तो चल जरा अपना बैग शैग खोल के तो दिखा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। पर मम्मी जी, कोई बात नहीं, अगर मोना मैम को पूछने में शर्म नहीं आ रही है तो मुझे दिखाने में कैसी शर्म। नीमा, विराट ने तुझे बहुत सारे गहने और कपड़े दिए थे, वो कहाँ हैं? मैम, वो मुझे दिए जरूर थे, पर वो मेरे नहीं है, उसे मैं नहीं लेके जा रही। आधे घंटे बाद अपनी दवाई ले लीजिएगा। ऐसे कैसे महल छोड़ के आ गई रे? पिछली बार आई थी तो एकदम सेठानी लग रही थी, और इस बार सादी सादी क्यों? तू घर छोड़ के आई है या इस पति ने भी तुझे छोड़ दिया? पूरी दुनिया बदल जाएगी, पर ये बस्ती कभी। तुम लोगों के पास बेकार की बातें करने के अलावा और कोई काम नहीं। एक बात भूलना मत, ये बस्ती मेरी भी है। यह मेरा घर है, मेरा परिवार है। मेरा जब मन करेगा मैं यहाँ आ जा सकती हूँ। यहाँ आने के लिए मुझे तुम लोगों की इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अपने आप को मेरे रिश्तों से और मेरे घर के मामलों से दूर ही रखो। चलिए। क्या सुना ना? अरे, इस बस्ती की माटी भी उसको लगी है। जाओ। दी, I can't believe it. नीमा और कृष दोनों हमारी लाइफ से बाहर। प्रियलोए, देख तू खुशियां मना रही है वो तो ठीक है, पर देख ध्यान रख कुड़िये, ध्यान रख। भूल मत तू कि वो नीमा सिर्फ इस घर विच नहीं, विराट के दिल विच भी बस गई थी, और हमें ना अब इस बात का ध्यान रखना है कि वो वापस से इस घर ना आ जाए। अरे दी, आप टेंशन मत लो, नीमा और विराट को कैसे संभालना मुझे अच्छे से पता। बस एक बार विराट को घर वापस आ ले।
चलो क्रिश आ जाओ खाने। क्या नहीं मांडी, आप वहां जाके मेरा नाम तक भूल गए। सॉरी सॉरी वरुण, चलो आ जाओ। अरे इसमें क्या है निमा, उसे कुछ लगता है तो लगने दे। देख तुम वहां पे रही है ना इतने दिन एक फैमिली की तरह, याद तो आएगी ना क्रिश की और विराट जी की। हाय, पता ही नहीं चला कब उनसे इतना लगाव हो गया। और ये तो होना ही था, मैं वह क्रिश की वजह से गई थी और अभी क्रिश चला गया है तो मेरा वहां रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। आई, आप शायद खुद नहीं जानती कि आपकी उस घर में जगह क्या है। मुझे पक्का पता है कि जैसे ही विराट जी को पता चलेगा ना कि आप वहां नहीं है, फिर देखिएगा वो यहाँ चले आएंगे। ऐसे कैसे जा सकती वो, मुझे कुछ तो बोल के जाती। हेलो 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 हेलो, आप लोगों ने तो नहीं कहा ना उसको कुछ? मैं, विराट तेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने क्यों उसको कुछ कहना है? अरे भाई उसने बोला अब उसका काम खत्म हो गया, जब कृषि घर में नहीं है तो फिर वो इस घर में रह के क्या करेगी है, तो इसलिए वो चली गई। हेलो, अरे भाई आ जाएगा फोन और मुझे तो लगता है विराट जी खुद ब खुद यहाँ आ जाएंगे। विराट जी का मैसेज तो पढ़िए ना आई, पर वो तो कभी मैसेज यूज नहीं करते। आई कभी कभी बोलने से ज्यादा इजी ना लिखना होता है। आप पढ़िए मैं आती हूँ। नीमा शायद ये बात मैं तुम्हें आमने सामने नहीं बोल पाऊँ इसलिए मैसेज कर रहा हूँ। जानता हूँ थोड़ा अजीब है पर काफी सोचा और यही ठीक लगा। नहीं मैं नहीं रुक सकता, मुझे जाना है, मुझे उससे बात करनी। ओए विराट तू पागल हो गया क्या, अब इतनी रात को तो उसके घर जाएगा, फोन पे बात कर ले नहीं तो कल बात कर लियो। नहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे अभी जाना। अरे विराट सुन, अभी एक मिनट, मुझे जाना है, मुझे। मोना जी लगी तो नहीं? ओए विराट, इस पे तो तुम्हारा नाम लिखा है, शायद नीमा तुम्हारे लिए छोड़ के गई हो। वो लेटर्स, वो आज की डेट में कौन लेटर शेटर लिखता है? विराट तुम ठंडे दिमाग से लेटर पढ़ो और प्लीज हम लोग बाहर चले इसको शांति से लेटर पढ़ने दें। आई तुमने क्रिश का ध्यान रखने में मेरी बहुत मदद की नीमा, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। विराट जी आपके साथ मेरा ये सफर बहुत ही अच्छा रहा, आपने मेरी इतनी मदद की, मुझे इतना सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से थैंक यू। मैं नहीं हो के भी तुमने अपना फर्ज
एक फैमिली मेंबर की तरह निभाया है। मैं खुश हूं कि कृष ने अपनी खुशी से अपना रास्ता चुना है और मैं उम्मीद करता हूं कि अब तुम भी अपनी लाइफ में तरक्की करोगी, आगे बढ़ोगी और मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। ये सफर बस यही तक था, मैंने अपना वादा रखा और कृष के होते आपका पूरा साथ दिया, पर अभी मुझे वहां जाना है जहां मेरी जरूरत है, मेरा घर, मेरी अपनी फैमिली के पास, जिनसे मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ। आप शायद यही पढ़ के चौंक जाएंगे, पर प्लीज मुझसे कांटेक्ट करने की या फिर मुझसे मिलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। तुम्हें जान के तुम्हारे साथ टाइम बिता के बहुत अच्छा लगा नीमा, तुम वाकई में एक अमेजिंग नैनी थी। जब भी चाहो मैं तुम्हें बढ़िया से बढ़िया रिकमेंडेशन भी दूंगा। और हाँ, तुम अचानक चली गई इसलिए मैं तुम्हारी सही पेमेंट नहीं दे पाया, पर जल्दी दे दूंगा। प्लीज अपना ध्यान रखना नीमा, ऑल द बेस्ट। मैं इस दिखावे की शादी वाले रिश्ते से निकलना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात समझेंगे और मान भी लेंगे। थैंक यू।